अगर पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया तो मैं बड़ी मजबूती से लड़ूंगा, अगर पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया तो जो पार्टी का उम्मीदवार आएगा हम उसकी जी जान से मदद करवाएंगे। अब की बार हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी आ रही है और बावल में भी कांग्रेस पार्टी जीत करेगी। हाँ, राघविंदर जी बड़े अहिरवाल के नेता है, आज भी हम उनकी बड़ाई करते हैं और उनका जो कद है वो बड़ा है। वो पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी बावल में हार रही है और कई कई बार तो बुरी तरह, मैं खुद भी लड़ा, बड़ी बुरी हार रही कांग्रेस पार्टी की। और अब जो उम्मीदवार बढ़ रहे हैं इसका मतलब अच्छा संकेत है। भाजपा ने नारा दिया था 400 पार का, तो उस समय बड़े कंफ्यूज हुआ कि भाई 400 पार ठीक है, अब सभी पार्टी के नारा देते हैं 400 पार का, पर एक बाद में फिर आई संघ की तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से कि भाई 400 पार इसलिए चाहिए कि भाई संविधान बदलना चाहते हैं। और विरोध करने का जरिया यही था भाई कौन इनको टक्कर दे सकता है, कौन इनकी लड़ाई से लड़ सकता है, तो कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई है नहीं, तो इसलिए हमने भाजपा को छोड़ के तो कांग्रेस की तरफ कमाई। पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, तो पार्टी सर्वे करेगी, सर्वे में भी अगर मेरा नाम आएगा तो पार्टी में उसको विश्वास करेगी। हमने पिछले चुनाव में डॉक्टर बनवारीलाल जी की मदद जरूर करी थी पार्टी में, उस समय हम भाजपा में थे, मैंने कभी किसी स्टेज पर डॉक्टर बनवारीलाल के लिए बड़ाई नहीं की, ना मैं पहले करता ना आज करता। 3600 एकड़ का लॉजिस्टिक हब यहाँ आना था, पर आप लोगों ने देखा कि कमजोर नेतृत्व की वजह से लॉजिस्टिक हब यहाँ से उठ के चला गया। आज जो 24 घंटे बिजली देने की बात भाजपा वाले करते थे, आपने देखा कि लंबे लंबे कट हैं और हालत बड़ी, मूलभूत जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हुई। आज आपके माध्यम से मैं बावर्ची विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारियां जो हमने करी हैं, सभी लगभग हमारे जो गांव हैं वो गांव हमने लगभग पूरे कर लिए हैं और चुनाव की तैयारियां शुरू हमने अपनी कर दी हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकतंत्र में बिना मीडिया कि कुछ भी नहीं है, तो आज इसी के तहत मीडिया वालों से रूबरू होने के लिए मैं आपको बुलाया, मेरे घर पे आप आए, मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। बावल में जसवंत जी बहुत सारे प्रत्याशी हो रहे हैं कांग्रेस के लिए, दावेदारी ठोक रहे हैं, आपको आश्वासन मिला है? देखो, जितने उम्मीदवार बढ़ने का मतलब क्या है कि शुभ संकेत है। पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी बावल में हार रही है और कई कई बार तो बुरी तरह, मैं भी खुद भी लड़ा, बड़ी बुरी हार रही कांग्रेस पार्टी की। और अब जो उम्मीदवार बढ़ रहे हैं इसका मतलब अच्छा संकेत है। और मुझे कोई इस बात का कोई नहीं मिला है कि मैं ही उम्मीदवार रहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई सर्वे करवाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी का और गांधी जी का भी आपने देखा, खड़गे जी का भी, उन्होंने कहा भी हरियाणा में 3 सर्वे करवाएंगे और जो सर्वे पे आएगा सर्वे के आधार पे टिकट देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई अगर पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया तो मैं बड़ी मजबूती से लड़ूंगा, अगर पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया तो जो पार्टी का उम्मीदवार आएगा हम उसकी जी जान से मदद करवाएंगे। अब की बार हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी आ रही है और बावल में भी कांग्रेस पार्टी जीत के निकल। एक अहम बात दावेदारी की है, हर आदमी की दावेदारी का एक बेस होता है, आधार होता है। चौधरी जसवंत जी अपनी जो दावेदारी कर रहे हैं उसका आधार क्या है, क्या ऐसे आपके खाते में काम दर्ज है, क्या एक कार्यकर्ता के रूप में आपके पास कामों की सूची है, क्या बताएंगे कि मुझे इस आधार पर टिकट दिया जाए? देखो, जब बावल का शुरू में जब बावल हल्का बना था तो उस समय 68 में मेरे पिता चौराम प्रसाद जी ने पहला चुनाव लड़ा था। लगभग 3-4 चुनाव उन्होंने लड़े, 4 चुनाव मैंने भी लड़े और 2 पीढ़ी में बावल हल्के से हम ही जीत के आए। 2 पीढ़ी में ज़्यादा बार तो और भी जीते हैं, पर 2 पीढ़ी में बावल हल्के के लोगों ने ही हमें ही आशीर्वाद दिया है। और जब चुनाव की तैयारी शुरू मैंने की लोकसभा के बाद, तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला के बात करके सभी से सलाह मशवरा करके और तभी चुनाव लड़ने का मन बढ़ाया।
पहले परिवार से पूछा, फिर रिश्तेदारों से पूछा, फिर अपने यार प्यारों से पूछ के, हल्के के लोगों से, मेन जो हमारे कार्यकर्ता है मेरे पिताजी के साथ के, मेरे साथ के, उन सभी से सलाह मशवरा करके और फिर चुनाव लड़ने का मन बढ़ाया। और आधार भी यही है कि भाई सभी का, हमारे साथियों का मन है कि हम अगली बार चुनाव लड़े, और जब उनका सबका मन है उनका यही आधार ये है चुनाव लड़ने। सर आपने बीजेपी छोड़ने का कारण क्या है? देखो पिछली बार भाजपा ने नारा दिया था 400 पार का, तो उस समय बड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई 400 पार ठीक है, अब सभी पार्टी के नारा देते हैं 400 पार का, पर एक बाद में फिर आई संघ की तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से कि भाई 400 पार इसलिए चाहिए कि भाई संविधान बदलना चाहते हैं हम, खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं उसमें संविधान में बाबा साहब ने क्योंकि संविधान बढ़ाया, तो हमारी जो आस्था है वो बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति, भारत देश के बाद अगर किसी में आस्था है पार्टी से अलग हटके भी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में है, हम उनको अपना भगवान मानते हैं। और जब हमें लगा खासकर दलित वर्ग के लोगों को कि भाई भाजपा वाले संविधान को बदलेंगे, तो फिर सभी का मन बना कि भाई क्यों ना मतलब हम इस बात का विरोध करें, और विरोध करने का जरिया यही था भाई कौन इनको टक्कर दे सकता है, कौन इनकी लड़ाई से लड़ सकता है, तो कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई है नहीं, तो इसलिए हमने भाजपा को छोड़ के और कांग्रेस की तरफ हमारे। दर्शन जी नुकसान नहीं होगा पूरी कांग्रेस फिर भाजपा फिर कांग्रेस, पार्टी कैसे विश्वास करेगी? देखो ये पार्टी का काम है, पार्टी का सर्वे है, पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, तो पार्टी सर्वे करेगी, सर्वे में भी अगर मेरा नाम आएगा तो पार्टी उसको विश्वास करेगी। पुरानी पार्टी में मान लो टिकट नहीं मिली तो पुरानी पार्टी की उम्मीदवार खुली रहेंगे? नहीं, मैंने कहा पहले भी मैंने कहा कि अब की बार जो कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी तो मैं मजबूती से लड़ूंगा, अदरवाइज जिसको भी पार्टी लड़वाएगी हम उसकी मदद करेंगे, ये तो मैं पहले कह चुका हूं। 2019 में डॉक्टर बनवारी लाल की मदद की आपने, डॉक्टर बनवारी लाल की तारीफ करते रहे थे, बावल के डेवलपमेंट पर चौधरी जसवंत का आज क्या दृष्टिकोण है, क्या बावल में डेवलपमेंट हो पाया पिछले 5-10 वर्षों में या बावल पीछे रह गया, आपके पास क्या तर्क है? देखो हमने पिछले चुनाव में डॉक्टर बनवारी लाल जी की मदद जरूर करी थी, पार्टी में उस समय हम भाजपा में थे, मैंने कभी किसी स्टेज पे डॉक्टर बनवारी लाल की नहीं सुनी, बड़ाई नहीं की, ना मैं पहले करता ना आज करता। हाँ राव इंदर जी बड़े अहिरवाल के नेता है, आज भी हम उनकी बड़ाई करते हैं, और उनका जो कद है वो बड़ा है, वो मेरे मुकाबले में तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। रही बात बावल हल्के में विकास की, मैं समझता हूँ बावल हल्का जो विकास में जो पिछड़ा बुरी तरह से, मैं आपको बताऊँ भाई क्या क्या कारण रहे क्यों पिछड़ा। एक तो बड़ा लॉजिस्टिक हब, जहाँ 3600 एकड़ का लॉजिस्टिक हब यहाँ आना था, पर आप लोगों ने देखा कि कमजोर नेतृत्व की वजह से लॉजिस्टिक हब यहाँ से उठ के चला गया। अगर लॉजिस्टिक हब यहाँ आता तो मेट्रो भी आ रही थी, यहाँ कोट कासिम में एयरपोर्ट भी आ रहे थे, यहाँ कनेक्टिविटी बॉम्बे से भी होने जा रही थी, पर वो लॉजिस्टिक हब उठने से मतलब हालत ये हुई कि जो मारुति आज चली गई वो मारुति भी यही अपना ढूंढ रही थी। और अब हालत ये है कि कोई 10 साल में कोई नई फैक्ट्री नहीं आई, कोरोना काल के बाद बहुत सी फैक्ट्रियाँ चली जरूर गई, कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हुआ। दूसरा सलेटों का यहाँ बहुत बड़ा उद्योग है, हिंदुस्तान लेवल पे लगभग 10,000 आदमी उस सलेट उद्योग में जुड़े हुए हैं, पर आपने देखा कि वो सलेट का उद्योग आज सारे कटर बंद पड़े हैं, और बेरोजगारी खासकर जो कुंड का एरिया है वहाँ बेरोजगारी बड़ी घर कर गई, नशा का कारोबार ज़्यादा बढ़ा। और जो विकास में जो मूलभूत आवश्यकता है चाहे बिजली पानी की, वो हालत ये हुई कि आज पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर है डॉक्टर बनवारी लाल जी, पर आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले रेवाड़ी जब बावड़ की तरफ जाते हैं तो महिला रोड के ऊपर मटका फोड़ रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। और बिजली की हालत है कि आज आपने खुद ही अपने चैनलों में दिखाया कि बावड़ से निकलने के बाद थोड़े आगे लोग बाग बिजली के लिए धरने पर दिन में बैठे हैं। आज जो 24 घंटे बिजली देने की बात भाजपा वाले करते थे, आपने देखा कि लंबे लंबे कट हैं,
और हालत बड़ी मूलभूत जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हुई। और आपने देखा किस तरह से जो मशाणी बैराज था उसमें गंदा पानी आ डल रहा है, 3600 एकड़ लगभग या 2600 एकड़ जितना भी है उसमें बुरा हाल है। जो बड़ा एक बड़ा पार्क डेवलप होना था वो नहीं हो पाया। और रामसिंहपुरा में जो हमारी जो नहर महकमे की 12 एकड़ जमीन पड़ी थी उसमें इन्होंने कूड़ादान बना दिया। अब हालत ये है, चलो बावड़ का कूड़ा हमारा डले तो चलो कोई ना कोई कहीं तो कूड़ा डलेगा, पर माणेसर का कूड़ा, गुड़गांव का, अटेली का, नारनौल का, महेंद्र का, इतना बड़ा कूड़ादान यहाँ पड़ा दिया, लगभग 25 गाँव के लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। और विकास की बात तो छोड़ो, आज लोगों में बड़ा भारी रोष है, खासकर यहाँ के मंत्री के प्रति। आपने देखा खोपड़ी बैंक में भी एक बड़ा घपला निकला, लगभग खुद सरकार ने माना कि 100 करोड़ से ऊपर घपला है और उसकी भी इंक्वायरी पेंडिंग है। तो मंत्री जी खुद विकास की बात तो छोड़ो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, और विकास की जो बात करते थे वो खुद बता दें कि भाई क्या विकास हुआ, मुझे लगता नहीं कोई विकास हुआ है। हमने पिछली बार डॉक्टर साहब की पार्टी की वजह से मदद की थी, हम पार्टी में थे, डॉक्टर बनवारलाल की ना तो मैंने कभी पढ़ाई की है और ना मैं उनका कभी वर्कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में बाहरी मुद्दा था उम्मीदवार का और क्षेत्रीय मुद्दा था, तो इस बार क्या देख रहे हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से? देखो जब सर्वे होती है तो सर्वे हर आधार पे होती है, सर्वे कैंडिडेटों का बाई नाम भी होती है, पार्टी की तरफ से होती है, तो वो पार्टी ने देखना है कि भाई वो भारी और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या कैंडिडेट जिनको हैं तो वो पार्टी देखेगी। रही बात मेरी, जितने आज उम्मीदवार मैं मानता हूँ जितने भी हैं, 1968 में मेरे पिता ने चौराम प्रसाद जी ने चुनाव लड़ लिया था, मैंने खुद भी 4 चुनाव लड़े हैं, तो भारी का अंदर का तो मुझे लगता नहीं वो ये बात हमारे ऊपर लागू।